नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार फ्रॉम हिमाचल प्रदेश जिला चंबा। तो मक्की की फसल जो है पक चुकी है समझ लो। अब इसकी जो है हफ्ता 10 दिन के अंदर जो है तुड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी जो पत्तियां हैं ये पीली होने स्टार्ट हो गई हैं। तो ये देखो इसके जो भुट्टे हैं ये पीली, इसके जो पत्तियां हैं ये सारी पीली होने जो है स्टार्ट हो गई हैं ये। तो अभी बरसात तो ख़त्म हो चुकी है, तो अब जो है एक महीना जो है दिन में बहुत ही तेज़ धूप होता है, क्योंकि ये सारी फसलें जो है हम तोड़ेंगे फिर इसको सुखाएंगे। तो कुदरत के जो नियम होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि अब जो है इसको फसल भी सुखानी होती है, आगे फिर बर्फ़ वगैरह गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो अब एक महीना जो है पहाड़ों पे ज़बरदस्त तेज़ धूप आती है, जैसे जून महीने में धूप होती है वैसे ही एक महीना अब धूप रहेगी। तो ये देखिए भुट्टे के पौधे जो है काफ़ी बहुत लंबे लंबे हो गए हैं। ये देखो ये भुट्टे जो हैं, दिखाता हूँ, ये देखो भुट्टे जो है अब पकना स्टार्ट हो गए हैं। तो आगे हम इनके अब दाने वगैरह जो है निकालेंगे और इनको जो है अनाज के लिए फिर जो है किसी बर्तन में स्टोर करके रख लेंगे। तो ये पौधे देख लो आप जो है कितने ऊंचे ऊंचे जो है हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा इनकी हाइट हो गई है। तो पहले जो है आज शाम के लिए थोड़ी सी सब्जी भी देख लेता हूँ कौन सी तैयार हो गई है। तो इसमें मेरे पास दो जो है घिये की वैरायटी है, जिसको लौकी भी बोलते हैं, एक लंबे वाले हैं और दूसरा गोल वाले हैं। तो मक्की की तो सारे जो पत्तियाँ हैं पीली होने स्टार्ट हो गई हैं। तो अभी देखते हैं कौन सा जो है तोड़ना है। कितना बड़ा है ये, हैं कितना बड़ा है ये, ठीक है चलो और देखते हैं कोई और। तो एक ये है, ये भी छोटा साइज है अभी। तो मैं कोई ऐसा ढूंढ रहा हूँ कि एक ही मुझे कोई बड़ा पीस मिल जाए, तो उसी से काम कहाँ पर है। तो ये मुझे जो है एक अगला पच्चे काटना जरा, इसको थाली रख देना उधर, थाली छोड़ दे ऐसे काट ले। तो ये मुझे एक जो है बड़ा पीस ऊपर से यहाँ से मेरा से, हाँ काट ले, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। चल 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 रख थाली कट। तो एक और बच्चे ने कोई पीछे देखा है अंदर जाके, एक और कोई बड़ा पीस है तो उसको भी निकाल लेते हैं। तो मेरा जो है उसी से आज का काम तो बन जाएगा। ले ये शाबाश। और मतलब टहनियाँ मत तोड़ना, ठीक है, टहनियों को बचाना, नहीं तो ये सूख जाएगा सारा बाद में फिर। हाँ ठीक है चल रख दे, थाली में रख दो उधर बच्चे। तो ये लौकी है लंबे वाली, ये हमने अभी 2-3 दिन पहले बनाई थी, तो चलो अभी इसको बाद में देखेंगे। ये बहुत छोटी छोटी तो बहुत सारी लग रही हैं, अभी 2 महीने तक जो है ये हम और अभी इसकी इनकी जो है सब्जी खा सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे जो है नए इसमें लग रहे हैं, फल लग रहे हैं। तो आज के लिए तो काफ़ी है, इसी से जो है हमारा काम जो है बन जाएगा। ले चल। तो आज मैं आप लोगों को गोबर से हम घर की पुताई कैसे करते हैं ये सब आज दिखाऊंगा मैं, कि गोबर से जो है हम घर की पुताई कैसे करते हैं। तो गोबर को घर में, गोबर का जो लेप होता है घर में लगाना बहुत ही शुभ जो है माना जाता है। तो बाकी तो चलो रूम में आजकल नहीं लगाता है कोई भी, पर रसोई घर में जो है हमें हर दिन जो है गोबर से
पोताई करने के बाद ही जो है हम चूल्हे में जो है आग जलाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम जो है गोबर से कैसे घर की लिपाई करते हैं। तो जिन भाइयों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि हिमाचल प्रदेश से जो भी मैं उन लोगों को दिखाने की कोशिश करूं, वह लोग देख सकें। तो ये जो है ताज़ा, हमें इसमें जो है गोबर चाहिए होता है, जो बिल्कुल ताज़ा जो गोबर होता है वो हमें चाहिए होता है। तो ये हमने गोबर जो है बर्तन में डाल दिया है। तो ये अब जो है इसमें पानी डाल के नेड़ ले वाले थे, ये थल्ले दिखाता था, ये इसको जो है पानी डाल के बिल्कुल रोकी ले से रोकी। तो सबसे पहले मैं ये जो है चूल्हे की जो थोड़ी राख कम कर लेता हूँ। बंद कर ले। तो ये जो होती है लाल मिट्टी होती है हमारे इधर, ये बहुत ज़्यादा मिल जाती है, ये चिकनी मिट्टी बोलते हैं इसको। तो ये लाल मिट्टी जो है हम घोल के जो लगाएंगे, और इससे जो है हर दिन जो है इसकी सफाई जो है चूल्हे की करने पड़ती है। ये देखो ऐसे जो है ये, हाँ ये दिखाता सुनो। तो ये जो है अब जो है मेरा ये गोबर पूरा जो है घुल के अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो अब मैं इसको जो है लेप लगा सकता हूँ। रोक ले। थाम भी ले लिया तो चूल भी ले लिया। तो अब इसको जो है थोड़ी देर हम जो है सूखने देंगे इसको। जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा फिर इसको जो है एक सूखे कपड़े से जो है एक बार इसको दोबारा से और थोड़ा थोड़ा रगड़ेंगे। तो अभी ये सूख चुका है तो इसको अब मैं थोड़ा सूखे एक साफ कपड़े से जो है इसको और ज़्यादा एक बार जो है इसको साफ करूँगा। पंजाब दिख लीजिए कोई बात। तो
तो ये देखिए, हमारा जो है 10 से 15 मिनट के अंदर जो है रसोई घर एकदम से साफ हो गया है। इसमें जो है हर दिन हमारा चूल्हा जलता है, तो चूल्हा जलने से घर में कितना धुआं होता है, पर ये देख लो कहीं इसमें अब जब हमारी इसमें सफाई हो गई है तो कोई बोल नहीं सकता है कि इस पे हम आग जलाते हैं या क्या करते हैं। तो आग जलाने से बाहर धूल बहुत ज़्यादा होता है, तो जब हम जो गोबर से ये लिपाई करते हैं तो एकदम से साफ हो जाता है। उसमें धूल वगैरह जितनी भी होती है वो सब उसमें साफ होके एक अलग सी जो है चमक जो है हमारे रूम के अंदर आ जाती है। और ये जो खंबा होता है हर हमारे रसोई घर में आपको ये मिलेगा, क्योंकि इससे जब हम छाछ वगैरह जो है छोलते हैं, लस्सी वगैरह, तो इसकी हमें जो है उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये हर घर में आपको रसोई घर में जो है ऐसा एक खंबा बीच में ज़रूर हर घर में मिल जाएगा। तो जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो हिमाचल प्रदेश से हर दिन यहाँ का कुछ ना कुछ कल्चर या नेचर ब्यूटी जो है देख सकें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं और नई किसी वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत माता, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।